राजस्थान में जो सियासी उठापटक लगातार देखी जा रही थी, उस मुद्दे पर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश आ गया है। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार भी बना दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा जा सकता है, क्योंकि ये भी याचिका लगाई गई थी पायलट गुट की तरफ से कि केंद्र को पक्षकार बनाया जाए, और उसको भी मंजूरी हाईकोर्ट ने दे दी है। यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है और सही पाया है, पायलट गुट की याचिका को सही पाया है हाईकोर्ट ने, ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया है, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया है। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पक्ष अब रखा जा सकता है, क्योंकि केंद्र को पक्षकार बनाने की जो अपील की थी पायलट गुट की तरफ से, जो अपील की गई थी केंद्र को पक्षकार बनाने की, उसे भी मंजूर कर लिया है हाईकोर्ट, और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला अब करेगा हाईकोर्ट। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं है। पायलट गुट के बड़ी जो खबर आ रही है, पायलट गुट के 19 विधायकों को राहत दी गई है। सचिन पायलट गुट को राहत मिली है, हाईकोर्ट ने याचिका को सही माना है, हाईकोर्ट ने याचिका को सही माना है, ये जानकारी आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी है और पायलट की याचिका को सही पाया है, यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाया है। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने राहत दी है, फौरी तौर पर पायलट गुट को राहत मिली है, हाईकोर्ट ने मौजूदा यथास्थिति को बरकरार रखा है। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले को लेकर अब सुनवाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसला दे दिया है, सचिन पायलट गुट को राहत दी गई है और स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक, बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट से आ रही है। मामले में अंतिम फैसला हाईकोर्ट ने नहीं दिया है और वैसे भी यह फैसला लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाने को कहा है, बागियों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर लेंगे, बागियों की बागी विधायक जो है उनकी अयोग्यता पर फैसला स्पीकर लेंगे, ये कहा हाईकोर्ट ने। केंद्र को पक्षकार बनाने की याचिका को मंजूर कर लिया है, साथ ही अब सोमवार को
सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें होंगी जब सोमवार को सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं दिया है, ये कहा है। साथ ही पायलट रूट की याचिका को कोर्ट ने सही माना है। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये अंतिम फैसला नहीं है और वैसे भी ये फैसला लागू नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को होनी है। फिलहाल स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस जारी किया था उस पर स्टे लगा दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है नोटिस पर, यानी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। पायलट कैंप को बड़ी राहत कही जा सकती है, फौरी तौर पर अगर बात करें तो ये राहत है, लेकिन सोमवार को मामले में मोड़ आ सकता है क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है। दशरथ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी लगातार पैनी नजर इस खबर पर बनाए हुए हैं। दशरथ, पायलट कैंप को फौरी तौर बड़ी राहत कही जा सकती है क्योंकि स्पीकर के नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दशरथ, देखिए निश्चित तौर पे हाईकोर्ट की तरफ से सचिन पायलट कैंप को बड़ी राहत इस वक्त कह सकते हैं आशीष हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। और कोर्ट ने साफ कहा है कि मौजूदा जो स्थिति है वो यथावत रहेगी, यानी कि कुल मिलाकर अब पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी अब कह सकते हैं आगे की तस्वीर साफ कर सकता है, यानी कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कह सकते हैं याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले पर वो रोक नहीं लगाते, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू जरूर होगा उस फैसले का। तो निश्चित तौर पे इसी के मद्देनजर कह सकते हैं हाईकोर्ट की तरफ से जो आज जो सुनवाई शुरू हुई और खास तौर पे सचिन पायलट कैंप की तरफ से केंद्र को पक्षकार बनाने की जो कह सकते हैं अपील दायर की गई और उसको स्वीकार किया गया, स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने यथास्थिति यानी कि वर्तमान में जो स्थिति है वह की वह स्थिति रखते हुए पूरे मामले को कह सकते हैं कहीं ना कहीं ट्रांसफर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है। आशीष, बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है दशरथ। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बागियों पर जो बात आ रही थी, बागियों पर फैसला जो है वो स्पीकर के पाले में उन्होंने हाईकोर्ट ने गेंद डाल दी है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प जानकारी। और पक्ष जो केंद्र सरकार को हम बात कर रहे थे दशरथ की, पक्षकार बनाए जाने को लेकर पायलट कैंप की तरफ से याचिका जो दायर की गई थी हाईकोर्ट में, उसको भी मंजूर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं फौरी तौर पर अगर वर्तमान में देखें तो भले ही आज के अगर दिन की बात करें तो पायलट कैंप की एक जीत नजर के रूप में भी देख सकते हैं दशरथ आज। देखिए निश्चित तौर पे पायलट कैंप की अगर बात करें तो फौरी तौर पे निश्चित तौर पे पायलट को राहत मिल गई है। पूरे कैंप को 19 विधायकों के नोटिस देने को का मामला ये था और हाईकोर्ट के अंदर पायलट कैंप की तरफ से जो याचिका थी वो लगाई गई थी नोटिस को लेकर कि इसको रद्द किया जाए, किसी प्रकार का औचित्य नहीं है। उसके बाद में स्पीकर सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कह सकते हैं संवैधानिक अधिकारों में हनन की बात करते हुए कह सकते हैं इस पूरे मामले को रद्द करने की मांग की थी। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब सचिन पायलट की तरफ से कह सकते हैं कि कैवेट लगाई गई थी और कल जो सुनवाई उसमें तय हो गया था कि अब जो अगला रुख है वो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जिद है, ठीक उसी प्रकार उसी जो कह सकते हैं सुनवाई के दौरान जो चीजें कही थी उसी के मद्देनजर हाईकोर्ट में उसकी तस्वीर नजर आई और हाईकोर्ट इस दिशा में आगे बढ़ा और फौरी तौर पर सचिन पायलट कैंप को राहत दे दी गई है। आशीष जी, धन्यवाद दशरथ आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो है पायलट कैंप को राहत